हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेक एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। ओके, ये एक टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेक एक्स से डिवाइड करेंगे, तो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और वाई जो लेफ्ट हैंड साइड पे, इसे राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे हम, तो माइनस वाई डिवाइडेड बाय सेक एक्स। ओके, हमें मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमको मिल रहा है साइन एक्स बाय सेक एक्स। ओके, इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई सेक एक्स कैन बी रिटर्न एज कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमें पी इज इक्वल टू मिलता है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो P इज इक्वल टू हमको मिला माइनस कॉस एक्स, और Q इज इक्वल टू हमको मिला साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन P इंटू डी एक्स। यहाँ पर P का वैल्यू पुट करेंगे विच इज माइनस कॉस एक्स, सो इंटीग्रेट ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, सो ई रेस्ट टू पावर माइनस कॉमन लेंगे, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। ओके, सो साइन एक्स, सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस साइन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेस्ट टू पावर माइनस साइन एक्स। अब अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। नाउ वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला था ई रेस्ट टू पावर माइनस साइन एक्स, सो वाई एंड क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, सो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस साइन एक्स, ओके इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ई रेस्ट टू पावर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अगर हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो हम साइन एक्स को टी पुट कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो यहाँ पर कॉस एक्स इंटू डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी टी, और साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो हमको मिलेगा वाई इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो टी cos x into dx is equal to dt and e raised to power minus t dt. e raised to power minus t into t को इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, सो फर्स्ट फंक्शन इज इट इज e raised to power minus t, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power minus t इज इक्वल टू e raised to power minus t डिवाइडेड बाय माइनस वन। ओके, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज इक्वल टू वन, differentiation of t is equal to 1 and integration of second function which is equal to e raised to power minus t by minus 1. Okay, और इस टर्म को वापिस हमको इंटीग्रेट करना है, सो फाइनली वी विल गेट माइनस टी इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस टी, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर माइनस टी डी टी। ओके, सो माइनस टी ई रेस्ट टू पावर माइनस टी माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस टी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू पावर माइनस टी विल बी माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस टी प्लस अ कॉन्स्टेंट सी विच इज इक्वल टू वाई ई रेस्ट टू पावर माइनस साइन एक्स। नाउ वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ टी विच इज इक्वल टू साइन एक्स, सो फाइनल रिजल्ट विल बी ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, टी इज इक्वल टू साइन एक्स, सो साइन एक्स e raised to power minus sin x minus e raised to power minus sin x plus c. We can divide whole equation by
e raised to power minus c minus sin x. So we will get y minus, y is equal to minus, this e raised to power minus sin x will be cancelled out. So minus sin x minus 1 plus c into e raised to power sin x. Okay. So this is the final solution. This is the answer. Y is equal to sin minus sin x minus 1 plus c into e raised to power sin x.